हेलो गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। तो आज के दिन निफ्टी जो है ग्रीन निशान पे बंद हुई है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि मिड कैप और बैंक निफ्टी और आईटी इंडेक्स जो है एक छोटी मोटी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो या तो आज आपका पोर्टफोलियो फ्लैट होगा या फिर माइनर नेगेटिव होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आज आपके पोर्टफोलियो ने किस प्रकार का परफॉर्म किया है, जिससे हमें भी यह जानने का मौका मिले कि आपका पोर्टफोलियो किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, यदि निफ्टी के टेक्निकल चार्ट को हम देखें तो निफ्टी यहाँ पे एक बेसिकली एम पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। ये एम पैटर्न जो है एक प्रकार से बियरिश पैटर्न रहता है और इस बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन जो है कंटिन्यूअसली लोअर लो एंड लोअर हाई का पैटर्न बना रहा है। यदि आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे डेली चार्ट में, यहां मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूं, यदि आप इसको ऑब्जर्व करेंगे क्लोजली तो इस पर्टिकुलर कैंडल का जो हाई और लो है वह इसकी नेक्स्ट कैंडल ने ब्रीच नहीं किया। इसके बाद हम जो नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, इसका हाई इस पर्टिकुलर प्रीवियस कैंडल से नीचे था और इसका लो इस प्रीवियस कैंडल के नीचे था। इस पर्टिकुलर पैटर्न को बोलते हैं लोअर लो एंड लोअर हाई पैटर्न। ये अनदर एक पर्टिकुलर इंडिकेशन है कि धीरे धीरे निफ्टी जो है वह आपकी बेयरिश होती जा रही है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स क्या हैं इस पर्टिकुलर निफ्टी के। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि जहां कहीं पे भी आप यदि देखेंगे कि निफ्टी ने प्रीवियसली रेजिस्टेंस लिया है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम जब निफ्टी या फिर वह स्टॉक ऊपर से नीचे आता है तो वही सेम पॉइंट आपके क्या बन जाते हैं, सपोर्ट बन जाते हैं। तो यहां पे यदि आप इन लेवल को चेस करना चाहें या इनको इंडिकेट करना चाहें तो इसमें जो पहला लेवल निकल के आता है दैट इज 21,746। तो पहला जो निफ्टी का लेवल है दैट इज 21746, ये इसका पहले सपोर्ट, पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल के आता है वह नेक्स्ट स्मॉल सपोर्ट जो है दैट इज 21443 एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं यहां पे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यदि आप यहां पे स्टडी करते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट की डेली पैटर्न में, डेली कैंडल्स में इस पर्टिकुलर चार्ट की यदि आप स्टडी करते हैं यहां पे, जस्ट अ मिनट, ये चार्ट को मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे ये चार्ट को आप देखिए, इस पर्टिकुलर चार्ट ने एक बड़ा सा डब्लू पैटर्न बनाया था और इस पर्टिकुलर डब्लू पैटर्न के बाद ही निफ्टी बहुत ज्यादा बुलिश हुई थी। तो ये जो बुलिश पर्टिकुलर पैटर्न है ये एक बहुत लंबा चौड़ा आपका एक्यूमुलेशन के बाद हुआ था। अप्रोक्सीमेटली आप इसके एक्यूमुलेशन के डेज को यदि कैलकुलेट करना चाहें तो यहां पे 18 अक्टूबर 2021 से 6 सितंबर 2022 तक, सितंबर अक्टूबर ऑलमोस्ट 365 डेज का ये पर्टिकुलर एक्यूमुलेशन जोन था और इस पर्टिकुलर एक्यूमुलेशन जोन के बाद ही निफ्टी ने ये आपकी जो नेक्स्ट रैली की थी 22,000 के लेवल तक, 22,600-22,500 के लेवल तक, तो ये पर्टिकुलर रैली उसी का रिजल्ट था, उस एक्यूमुलेशन का। तो मुझे लगता है कि यदि आप एक मेजर सपोर्ट खोजने की कोशिश कर रहे हैं तो वह सपोर्ट इस पर्टिकुलर पैटर्न का जो लाइफ टाइम हाई था, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने इसका टारगेट कैलकुलेट किया था, वही इस पर्टिकुलर निफ्टी का अब एक मेजर सपोर्ट बन जाएगा। इसकी रेंज कहां पे निकल के आ रही है यदि आप इसको कैलकुलेट करना चाहें, दैट इज 21,163। तो ये निफ्टी का एक लास्ट होप है जहां पे निफ्टी को बहुत स्ट्रांग सपोर्ट मिलेगा। तो आप इन लेवल्स को अपने चार्ट में मार्क कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ डिसीजन टू इन्वेस्ट फर्दर। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे ये ईमेल करके क्वेश्चन पूछते हैं क्या ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का। तो दोस्तों, कोई भी आपको मार्केट में ये नहीं बता सकता कि मार्केट का राइट टाइम क्या है जब आपको इन्वेस्टमेंट करना है। यदि आप अपना इन्वेस्टमेंट को सेव करना चाहते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया, आइदर आप पूरे इन्वेस्टमेंट को 1/3 या फिर और ज्यादा सेफ साइड 1/6 में कर दीजिए और हर फ्राइडे की डेट पे, फ्राइडे अराउंड 3:15 आप अपने स्टॉक को देखिए। इस टाइम पे आपको स्टॉक सबसे चीपेस्ट पर्टिकुलर वैल्यू पे मिलेगा, क्योंकि फ्राइडे के बाद रहता है सैटरडे और संडे और कोई भी अपना माल जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता। लोग सस्ते में माल निकालते हैं और दो दिन के लिए अपना पैसा कमोडिटीज में ट्रेड करने के लिए उस पर्टिकुलर सौदे को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो आप फ्राइडे को यदि आप बेस्ट टाइम ढूंढना चाहते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये जो रहा है फ्राइडे 3:15 का, दैट इज द बेस्ट टाइम। यदि आप पूरे हफ्ते में इसको पर्टिकुलरली इवेल्युएट करके देखते हैं तो आपको हमेशा स्टॉक आपका गिरा पड़ा और पिटा हुआ ही मिलेगा इस पर्टिकुलर डे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्कशन में। आज का नेक्स्ट स्टॉक जो है दैट इज एचडीएफसी बैंक। पहले मैं इस चार्ट को डिलीट कर दूं यहां पे लेवल्स को। यहां पे आप देखेंगे यदि एचडीएफसी चार्ट की आप स्टडी करते हैं तो मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि इस चार्ट में बहुत जबरदस्त एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि बॉटम पे यदि आपका बुलिश
और डब्ल्यू चार्ट बनता है तो ये एक बेसिकली बुलिश पैटर्न की इंडिकेशन देता है। और ये बुलिश पैटर्न कब एक्टिवेट होता है, जब कभी भी ये स्टॉक जो है इसकी नेक लाइन को विच वॉज अराउंड 1450 1450 रुपए इस पर्टिकुलर डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन थी, जिसको एचडीएफसी बैंक ने बहुत हैवी वॉल्यूम के साथ क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो हमने यहां पे ये समझा इस पर्टिकुलर दो कैंडल्स में, क्योंकि ये पहली कैंडल भी इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट के ऊपर बंद हुई, नेक्स्ट कैंडल भी इसके ऊपर बंद हुई, तो हमारी ये डब्ल्यू पैटर्न का जो एक्टिवेशन था वह लास्ट वीक हो गया था। लेकिन आप करंट सिनारियो में जो देखें, बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड इशू और लोगों के मन में ये डाउट है कि बीजेपी को 400 सीटों का बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इन पर्टिकुलर डाउट्स की वजह से निफ्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे शेकी हो रहा है। तो ये जो शेकीनेस है इस पर्टिकुलर बिहेवियर की वजह से यहां पे जो डब्ल्यू पैटर्न का एक्टिवेशन हुआ था दोस्तों, ये कंप्लीटली अब इनवैलिड हो गया है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि एचडीएफसी बैंक का डब्ल्यू पैटर्न इनवैलिड हो गया है, तो आप इस पैटर्न के ब्रेकआउट पे यदि यहां कहीं पे खरीदना चाह रहे थे तो अब आपको वेट करना चाहिए। कहां तक वेट करना चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यदि बैंक निफ्टी, जैसा कि पिछले 8 दिनों से कंटिन्यूअसली गिर रहा है, बैंक निफ्टी को यदि आप देखेंगे तो पिछले 8 दिनों से वो रेगुलरली फॉल में है, तो यदि ये पर्टिकुलर फॉल कंटिन्यू रहता है तो आपको एचडीएफसी अगेन बिलो 1400 रुपीस देखने को मिलेगा, तब आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आपको एक और पॉजिटिव बात मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बताना चाहूंगा, ये एफआईआई इसका फेवरेट स्टॉक है, इस स्टॉक में हाईएस्ट लिक्विडिटी रहती है। रेट कट होने के बाद जब कभी भी एफआईआई इंडिया में वापस आएंगे तो ये पर्टिकुलर एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, दीज आर द फेवरेट स्टॉक्स ऑफ दी एफआईआई, तो इनमें पैसे का जो इन्फ्यूजन है वह सबसे ज्यादा होगा। तो यदि आप 15-20% की बैट खेलना चाहते हैं इस पर्टिकुलर 2024 में, तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने पिछले 3 सालों से आपको कितना रिटर्न दिया है, 0। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इस स्टॉक की 3-5 साल की हिस्ट्री है कि पर्टिकुलर ये 3 years and 5 years में आपको मिनिमम 15% का रिटर्न जनरेट करके देता है। पिछले 3 सालों में यदि इसने आपको 0 रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो आने वाले 3 सालों में आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी एक्सपेक्टेशन इस स्टॉक से कितने रिटर्न की होनी चाहिए। एटलीस्ट मैं मान के चल रहा हूं कि जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, जो कि आपका 6.5+7% विच इज इक्वल टू अराउंड 12%-13% है, तो इतना परसेंटेज ऑफ रिटर्न आपको इस स्टॉक से आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 2-3 cycles के लिए। तो आप जो है इस स्टॉक को भी अपनी स्टडी में कंसीडर कर सकते हैं। शानदार एक ब्यूटीफुल डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, आने वाले समय में यदि इसको ये रीटेस्ट करता है देन यहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत सेफ है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 1367 की है, अप साइड में ये स्टॉक आपको 1700 तक रैली करता हुआ विद इन नो टाइम दिखा सकता है, तो आप इसको भी अपनी स्टडी में कंसीडर कर सकते हैं। हमारे डिस्कशन में नेक्स्ट स्टॉक जो है दैट इज आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों एचडीएफसी बैंक से बेहतर नतीजे, क्वार्टरली रिजल्ट, प्रॉफिट मार्जिन और एनपीए परसेंटेज आईसीआईसीआई बैंक ने दिया है। आप यहां पे यदि देखेंगे तो इस पर्टिकुलर डब्ल्यू पैटर्न के एक्टिवेशन के बाद, डब्ल्यू पैटर्न की ब्यूटी आप देखिए, ये जो इसकी डेप्थ थी, कितनी डेप्थ थी इसकी, यदि हम यहां से डेप्थ मेजर करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से, इस पॉइंट से इस लोएस्ट पॉइंट की यहां पे डेप्थ मेजर करते हैं, दैट इज अराउंड 993 to 910 rupees, ये अप्रोक्सीमेटली आपकी 80 point की रैली निकल के आती है। तो ये 80 point की रैली आपको यहाँ पे आईसीआई बैंक ने क्लियरली दिया है विद इन नो टाइम। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको बॉटम पे डब्ल्यू पैटर्न एंड टॉप पे एम पैटर्न की खोज करना है, और जिस पॉइंट पे आपको ये मिल जाए आप उस स्टॉक में फंडामेंटल और बिजनेस स्टडी कर सकते हैं। यदि आपका कन्विक्शन बनता है तो आप उसमें पोजिशन ले सकते हैं। आईसीआई बैंक इज ऑल्सो एट अ वेरी डिसेंट प्राइस वैल्यूएशन, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स गिर रहा है तो ये स्टॉक भी पर्टिकुलरली गिर रहा है, बट इसका इमीडिएट सपोर्ट जो है आप 1064 पे मान के चल सकते हैं। 1064 इज बेसिकली आ इमीडिएट टेक्निकल सपोर्ट फॉर द आईसीआईसीआई बैंक। तो यहां पे अब हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो है दैट इज एसबीआईएन। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है वो किसी बैंक पे यदि हो रहा है तो दैट इज एसबीआई बैंक, क्योंकि इन्हीं से जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन जुड़ा है। और यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। एम पैटर्न के फॉर्मेशन के साथ इसकी ये जो नेक लाइन थी इसको भी इस स्टॉक ने बहुत हैवी कैंडल्स के साथ ब्रेक कर दिया है। तो आने वाले दिनों में आप एसबीआई बैंक में यदि किसी प्रकार का डिजास्टर होता है तो इसका नेक्स्ट जो इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है दैट इज अराउंड 650 rupees इन द डेली चार्ट। तो यहां पे आप एसबीआई बैंक में 650 की रेंज देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एसबीआई का एक्यूमुलेशन जोन आ जाएगा, जहां पे आप देख सकते हैं कि इसको बहुत हैवीली एक्यूमुलेट किया गया था। और ये जो एक्यूमुलेशन था इसका टारगेट तो ऊंचा का था, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्राइस टू अर्निंग इज वेरी चीप। अभी बैंकिंग स्टॉक जो है आपको बहुत चीपली वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। यदि आप स्टॉक का फंडामेंटल स्टडी करते आती है तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगा, अर्ज करूंगा कि आप इन तीनों स्टॉक्स की फंडामेंटल और बिजनेस एनालिसिस करिए, तो आप पाएंगे कि ये स्टॉक आपको
पांच से दस साल पुराने वैल्यूएशन प्राइस पे मिल रहे हैं और इनका प्रॉफिट मार्जिन एनपीए काफी इंप्रूव हो गया है। तो आने वाले समय में एसबीआई भी जिस प्रकार से ये निगेटिव न्यूज का फ्लोज हट जाएगा उस समय ये स्टॉक फिर से रैली करता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि फिबोनाकी का यहाँ पे जो 50% बनता है, यदि आप फिबोनाकी यहाँ पे लगा के देखते हैं तो फिबोनाकी इस पर्टिकुलर ये जो जंप है इसके 50% से ही ये स्टॉक बाउंस बैक हो जाए। यदि आप एसबीआई में इन्वेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो अराउंड 700 रुपीज आप अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इस स्टॉक में लगा सकते हैं। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी स्टडी करिएगा, उसके बाद यदि आपका कन्विक्शन बनता है तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा लास्ट स्टॉक जो है, इस स्टॉक को मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं आपको एक कप विथ हैंडल पैटर्न दिखा सकूं। यहां पे आप ये कप देख रहे हैं, ये इसका शानदार हैंडल है और इस पर्टिकुलर स्टॉक का ये जो टारगेट था ये टोटल डेप्थ है। तो यहां पे यदि इस डेप्थ को आप मेजर करते हैं तो ये डेप्थ आपकी निकल के आती है अप्रोक्सीमेटली यहां पे दिस डेप्थ इज अराउंड 80%। तो यहां पे स्टॉक जो है आपको 80% का रनअप ऑलरेडी दे चुका है। 305 रुपीज से आप यदि इसको देखें तो ये 705 पे ट्रेड कर रहा है, 705 रुपए पे। तो 300 रुपए से ये स्टॉक 705 रुपीज हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर पैटर्न विच इज कॉल्ड एज अ कप विथ हैंडल पैटर्न। तो आपको अपनी स्टडी में इस प्रकार के पैटर्न को भी एनालाइज करना चाहिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे स्टॉक्स का नाम लिखिए कमेंट सेक्शन में जो इस प्रकार का पैटर्न बना रहे हैं। मैं आपको दो हिंट देता हूं, पहला स्टॉक जो है दैट इज कैंपस एक्टिवेयर एंड सेकेंड वन इज बेसिकली लक्स इंडस्ट्री। आप इन दोनों स्टॉक में जाके स्टडी करिए, उनकी बैलेंस शीट पढ़िए और मुझे बताइए कि इन दो स्टॉक्स में क्या कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है और इनकी पर्टिकुलर बैलेंस शीट कंसीडरेबल है कि नहीं। ओके, चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।